नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 21 फरवरी दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस पर 22-24 मार्च तक पूरे राज्य में होंगे कई आयोजन। बिहार पुलिस अब यूट्यूब चैनल के जरिए भी जुड़ेंगी लोगों से। 1 मार्च से बिहार में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कही बड़ी बात। तीसरे चौथे टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI में 9000 से अधिक पदों पर निकलेगी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा SBI PO क्लर्क स्पेशलिस्ट ऑफिसर और जूनियर एसोसिएट्स के 9000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवार को हिंदी और इंग्लिश भाषा की अच्छी समझ होनी जरूरी है और साथ ही उम्मीदवार को कंप्यूटर संचालन में कुशल होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आवेदन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आवेदन की शुरुआत 7 सितंबर 2023 से होगी, जो कि 27 सितंबर 2023 तक रहेगी। बिहार दिवस पर 22-24 मार्च तक पूरे राज्य में होंगे कई आयोजन। इस बार बिहार दिवस के मौके पर राज्य में 22 से 24 मार्च तक कई अलग अलग आयोजन होने वाले हैं। बता दें कि एक तरफ जहां बिहार की राजधानी पटना में सिनेमा घरों में 3 दिनों तक लोगों को चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी, तो वहीं दूसरी ओर पटना जू में स्कूली बच्चों को 3 दिनों तक मुफ्त में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन विभाग के द्वारा पटना के गांधी मैदान में व्यंजन मेला लगाया जाएगा, जहां विभिन्न जिलों के व्यंजनों को लगाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को राज्य के कई पर्यटन स्थलों पर भ्रमण करवाया जाएगा, जिसमें वाल्मीकि नगर स्थित व्याघ्र अभयारण्य, कैमूर का करकटगढ़, राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा, जू सफारी समेत कई पर्यटन स्थल शामिल हैं। बता दें कि बिहार दिवस के मौके पर पटना के मंगल तालाब, बोधगया, राजगीर और वैशाली में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार बिहार दिवस का थीम निश्चय पार्ट 2 युवा शक्ति बिहार की प्रगति रखा गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे नरेंद्र झा के बारे में। नरेंद्र झा का जन्म 21 जनवरी 1964 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता थे। वह बॉलीवुड प्रस्तुतियों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म हैदर, रईस, घायल, वंस अगेन, हमारी अधूरी कहानी, मोहन जोदरो, शोरगुल, माई फादर इकबाल, फोर्स 2, काबिल 2016, द एंड और दूरदर्शन की शांति है। वह आखिरी बार एक्शन फिल्म रईस 3 में दिखाई दिए थे। उन्हें रावण और अर्जुन जैसे पौराणिक धारावाहिकों में विरोधी भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। बता दें कि नरेंद्र झा को पहले दिन दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टरों के अनुरोध पर वे अपनी पत्नी के साथ अपने फार्म हाउस में पनवेल चले गए थे। 14 मार्च 2018 को दिल का दौरा पड़ने के बाद 54 वर्ष की उम्र में नरेंद्र झा की नासिक में उनके फार्म हाउस में मृत्यु हो गई। बिहार पुलिस की बाइक रैली की हुई शुरुआत। बिहार पुलिस दिवस के मौके पर बीते दिन सरदार पटेल भवन परिसर से बिहार पुलिस की बाइक रैली यानी कि जन सहभागिता मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत हो गई है, जो कि 7 दिनों तक चलने वाली है। बता दें कि इस बाइक रैली को DGP RS भट्टी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर सरदार पटेल भवन परिसर में DG पुलिस निगम विनय कुमार, ADG पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार समेत तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पुलिस की यह बाइक रैली राज्य के लगभग 46,000 गांव तथा वार्डो में पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। इसके साथ इस रैली के दौरान पुलिस कर्मियों के द्वारा लोगों को एक पर्णिका भी वितरित की जाएगी, जिसमें लोगों के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 26 फरवरी को पटना में मुख्यमंत्री के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन CM नीतीश के द्वारा किया जाएगा। 1 मार्च से बिहार में दाखिल खारिज की नई व्यवस्था। 1 मार्च से राजस्व अधिकारी और अंचलाधिकारी बिहार के सभी अंचलों के दाखिल खारिज के मामले का निपटारा करेंगे। बता दें कि इनके बीच कार्य का बंटवारा हलका के अंक के आधार पर होगा, जिसमें समसंख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 वाले हलकों का काम राजस्व अधिकारी करेंगे, तो वहीं विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5 वाले हलका के दाखिल खारिज का काम अंचलाधिकारी करेंगे। इसके अलावा अब दाखिल खारिज में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब उस आवेदन का पहले निपटारा किया जाएगा जो पहले आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम को सबसे पहले राज्य के 5 अंचलों में लागू किया गया था, जिसमें सफल परिणाम मिलने के बाद इसे अन्य 534 प्रखंडों में लागू किया जा रहा है। बता दें कि जिन 5 अंचलों में इस नियमों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले लागू किया गया था, उसमें पटना का फतुहा, भागलपुर के सबौर, सिवान का सदर, किशनगंज के ठाकुरगंज और समस्तीपुर का कल्याणपुर शामिल है। जनता
के दरबार में सीएम नीतीश ने 51 लोगों की सुनी समस्याएं। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के दरबार में 51 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया। बता दी कि बीते दिन नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग समेत कई विभाग से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई की गई, जिसमें से पश्चिम चंपारण से आई एक महिला ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति वनरक्षी के पद पर कार्यरत थे। उनके निधन के बाद अनुकंपा पर आश्रित को अब तक नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारी से इस मामले पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरे फरियादी ने अपने गांव में पुल निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की और कहा कि अब तक अधूरे पड़े कार्य को पूरा नहीं किया गया है, इसे जल्द पूरा करवा दिया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश देकर इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई अन्य मामलों पर सुनवाई की और समस्याओं का हल निकाला। पटना गया डोभी एनएच को लेकर पटना हाई कोर्ट की सुनवाई। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ के द्वारा पटना गया डोभी नेशनल हाईवे के निर्माण के मामले को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई किया गया। इस दौरान कोर्ट के द्वारा केंद्र, राज्य सरकार, एनएचएआई और अन्य संबंधित पक्षों को हलफनामा दायर करने के लिए 24 फरवरी 2023 तक का मोहलत दिया गया है। बता दें कि पिछले सुनवाई में कोर्ट के द्वारा वकीलों की टीम से नेशनल हाईवे के निरीक्षण करने के साथ रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया था, जिसके साथ ही राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया गया था कि फेज दो के निर्माण में जो भी बाधा या अतिक्रमण से दिक्कत आ रही है उसे आवश्यक पुलिस बल और व्यवस्था मुहैया करा के हटा दिया जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 24 फरवरी 2023 को की जाएगी। सीएम नीतीश का एक बार फिर बदला पता। बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश का पता एक बार फिर से बदलकर 7 सर्कुलर रोड आवास से एक अने मार्ग हो गया है। बता दें कि पिछली बार जब वह एक अने मार्ग को छोड़ 7 सर्कुलर रोड आवास गए थे, उस वक्त वह एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। हालांकि उस समय यह कहा जा रहा था कि एक अने मार्ग आवास का मरम्मत का काम चल रहा है, जिस वजह से मुख्यमंत्री को शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे में मुख्यमंत्री का सचिवालय एक अने मार्ग में ही था, लेकिन रहने के लिए वो 7 सर्कुलर रोड आवास जाते थे। लेकिन अब मरम्मत का काम खत्म होने के बाद वह एक बार फिर से अपने 7 सर्कुलर रोड वाले आवास पर शिफ्ट हो गए हैं, जिससे अब राजनीतिक गलियारों में भी सरगर्मी बढ़ गई है और अब उन कयासों पर विराम लगाया जाने लगा है जो मुख्यमंत्री के द्वारा महागठबंधन विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को 2025 के लिए उत्तराधिकारी घोषित करने की बात कही गई थी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे जालान संग्रहालय के बारे में। जालान संग्रहालय बिहार के पटना शहर में स्थित है। इस संग्रहालय को किला हाउस भी कहा जाता है। यह संग्रहालय शेरशाह सूरी के किले की नींव पर बनाया गया है। संग्रहालय जालान परिवार का निजी संग्रह है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध प्रदर्शनों में एक जॉर्ज प्रथम का डिनर सर्विस सेट, नेपोलियन का 4 डंडों वाला बेड, मैरी एंटोनेट के सेवरेस चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी जेड और मुगलों की सुंदर चांदी की नक्काशी वाली कलाकृतियों के कई बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। जालान संग्रहालय देखने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है। यह संग्रहालय भारत में कुछ निजी संग्रहालयों में से एक है, जिसका निर्माण वर्ष 1919 में हुआ था। 10,000 से अधिक वस्तुओं का एक विशाल संग्रह जालान संग्रहालय में है। किला हाउस के रूप में प्रचलित यह म्यूजियम जालान परिवार का निजी आवास है। अगर यहाँ की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए करीबन 48 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। जालान संग्रहालय अंग्रेजी और डच शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और इसलिए यह कई आर्किटेक्चर को अपनी ओर आकर्षित करता है। संग्रहालय में अधिकांश वस्तुएं आधुनिक युग की है और इसलिए इसमें यूरोपीय कला वस्तुओं का एक अच्छा संग्रह भी देख सकते हैं। शिक्षक मतदाता सूची में नहीं है आपका नाम तो करें ये काम। अप्रैल महीने में बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव कराए जाने की उम्मीद है, जिनमें कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र व गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। राज्य के 26 जिलों में इन 5 सीटों का चुनाव क्षेत्र फैला हुआ है। ऐसे में बीते दिन यानी कि सोमवार को सारण शिक्षक निर्वाचन सूची के अंतिम प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। यदि निर्वाचक के नाम, उम्र, स्थान और पता आदि में किसी भी तरह की त्रुटि हो जाती है तो वे प्रथम प्रारूप के प्रकाशन के बाद उन निर्वाचकों को एक और मौका दिया जाता है कि वे दोबारा दावा करके इसमें सुधार करवा सके। वैसे निर्वाचक जो किसी कारण से प्रपत्र 19 नहीं जमा करवा पाए हैं तो दावा आपत्ति के निपटारे के दौरान उन नए निर्वाचकों का भी नाम जुड़वाने का मौका दिया जाता है। यदि किसी निर्वाचक का नाम 2 जगहों पर है तो इसी दौरान 2 जगहों में एक का विलोपन भी किया जाता है। बता दें कि 4 अन्य जिला मुख्यालयों से भी प्रारूप का प्रकाशन सारण स्नातक निर्वाचन निबंधन कार्यालय छपरा के अलावा प्रकाशित किया जाएगा। बिहार
पुलिस अब YouTube चैनल के जरिए भी जुड़ेंगी लोगों से। कुछ समय पहले ही बिहार पुलिस के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों की शिकायतों को सुनने की कवायद शुरू की गई थी। वहीं अब बिहार पुलिस ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ऑफिशियल YouTube चैनल की शुरुआत की है, जिससे लोगों को जोड़कर नई व्यवस्था के तहत नई वेबसाइट बनाने के बाद ईमेल के माध्यम से आम जनता को शिकायत भेजने में आसानी होगी। बता दें कि इसके लिए बिहार पुलिस की ओर से लोगों को कहा गया है कि वे @BiharPuliceOfficial से जुड़े और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी दबाकर नोटिफिकेशन पाए। मालूम हो कि बहुत जल्द ही वेबसाइट भी तैयार करवा ली जाएगी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा हर एक थाना स्तर पर आने वाली शिकायतों पर FIR दर्ज करने में आनाकानी करने से जुड़े मामले की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीज भी पहनेंगे खादी की पोशाक। अब बिहार के सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल से लेकर अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में भर्ती मरीज भी खादी के कपड़े पहनेंगे, जो जीविका दीदियों के द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसकी आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम के माध्यम से की जाएगी। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 14.14 करोड़ रुपए को स्वीकृति दे दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष मरीजों के लिए कुर्ता पायजामा दिया जाएगा, तो वहीं अगर महिलाओं की बात तो अब तक इस पर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा विचार नहीं किया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार वस्त्र को शुद्ध खादी से तैयार किया जाएगा, जिसकी अधिकतम कीमत प्रति वस्त्र 950 रुपए जीविका दीदियों को दी जाएगी। वहीं महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष इस वस्त्र के मूल्य में 5% तक की बढ़ोतरी की जाएगी। बिहार में पारा चढ़ने के साथ दिखने लगा गर्मी का असर। बिहार में अब गर्मी बढ़ने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार हवा के रुख में अब बदलाव हो रहा है, इसी कारण बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उत्तर दिशा से आने वाली हवा के साथ पश्चिम की शुष्क और गर्म हवा भी आने लगी है। समय बीतने के साथ पश्चिम की गर्म हवा जोर पकड़ेगी और वातावरण धीरे धीरे और गर्म होगा। पटना के मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार की माने तो तापमान बढ़ने की एक वजह एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का बढ़ना है। आने वाले दिनों में कुछ जिलों में बदलाव के असर दिखाई दे रहे हैं। मौसम के जानकारों का कहना है कि सुबह और शाम लोगों को ठंड का एहसास होगा, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। ऐसे में मौसम के जानकारों का कहना है कि इन दिनों बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बीच नदी में बरामद हुआ 20 लाख का शराब। बिहार में लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा शराब की खेप बरामद की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला छपरा का है, जहां उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर घाघरा नदी में बोट से पीछा करते हुए एक नाव को जब्त कर 154 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। इसके साथ ही एक शराब तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान सोनपुर दियारा क्षेत्र के सबलपुर गांव निवासी कुंदन कुमार यादव के रूप में की गई है। वहीं बरामद किए गए शराब की कीमत 20 लाख रुपए तक की बताई जा रही है। उत्पाद अधीक्षक रजनीश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल तस्कर से पूछताछ कर तस्करी में शामिल अन्य कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में तितलियों के मारने और व्यापार करने वाले लोग जाएंगे जेल। बिहार स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एक्ट के तहत अब उन लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी जो तितलियों को मारने और व्यापार करने का काम करते हैं। बता दें कि इस एक्ट के तहत ऐसे लोगों को जेल की भी सजा प्रशासन की ओर से दी जा सकती है। बता दें कि इस एक्ट के तहत तितलियों के अलावा वन्य प्राणी, डोमेस्टिक जानवर, पक्षी, पुराने वृक्षों, औषधीय पेड़ और छोटे छोटे जीवों का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। मालूम हो कि इसके लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंदर आते हैं, जो अप्रैल 2023 से जैव विविधता संरक्षण के लिए अपना काम शुरू करेंगे। इसके लिए एक सूची भी तैयार की जाएगी, जो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। रोजगार मेला में नौकरी पाने वालों का डेटा तैयार करेंगे श्रम विभाग। श्रम संसाधन विभाग ने नौकरी पाने वालों का डेटा बिहार में रोजगार सहनियोजन मेला या जॉब फेयर के तहत तैयार किया है। डेटा तैयार करने के बाद इन लोगों से इस बात की जानकारी ली जाएगी कि वे अभी नौकरी कर रहे हैं या नहीं। विभाग द्वारा निकट भविष्य में लगने वाले रोजगार मेला में सभी रोजगार पाने वालों से मिले फीडबैक के आधार पर नीतिगत बदलाव किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थियों के साथ यदि धोखाधड़ी और शोषण हुआ हो तो नियोजन मेला व जॉब कैंप की उपलब्धि के समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि इसकी जानकारी विभाग के पास नहीं है। दरअसल नियोजन मेले में जिन लोगों को रोजगार मिला है, कंपनियों ने उनमें से कई को बाहर भी कर दिया है। इसकी शिकायत लगातार विभाग को कई स्रोतों से मिल रही थी। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बिहार में जल्द लागू होगी नई नियम।
अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए बहुत जल्द ही नियम में बदलाव किया जा सकता है। इसके तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए उन्हें ही पीएचडी से छूट मिलेगी जो जुलाई 2023 तक नेट या जेआरएफ क्वालिफाई किए होंगे। यानी कि अब वैसे लोग जो 2 जुलाई या इसके बाद नेट या जेआरएफ करेंगे उनके लिए पीएचडी का कोर्स करना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह नियम यूजीसी के द्वारा बिहार से पहले झारखंड में लागू किया जा चुका है, जिसे धीरे धीरे अब देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। बता दें कि इस नियम को बिहार में राजभवन से सहमति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इस नियम के लागू होने से नेट और जेआरएफ वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि लेक्चरशिप के लिए तब इनके कुल वेटेज अंक में पीएचडी के भी 30 अंक जुड़ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का सीएम नीतीश पर तंज। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने सिन्हा लाइब्रेरी के सभाकक्ष में अपनी बात रखते हुए एक तरफ जहां अपनी नई पार्टी लोक जनता दल का ऐलान किया तो वहीं जदयू और राजद के बीच के संबंध को लेकर भी खूब खड़ी खोटी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े भाई ने तो अपना राजनीतिक संपत्ति को गिरवी रख दिया है, तो मैं उनसे अपना हिस्सा कैसे मांगू? उनके हाथ में है ही क्या जो वह मुझे देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमें पार्टी छोड़ने को कहा गया था तब मैंने कहा था कि बिना अपना हिस्सा लिए पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम हिस्सा किस आधार पर मांगेंगे? अब वह उन्हीं के हाथ में अपनी राजनीतिक संपत्ति गिरवी रख रहे हैं जिन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि जब बड़े भाई के हाथ में ही जीरो है तो वह छोटे भाई को क्या देंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू छोड़ते ही निखिल आनंद का सीएम नीतीश पर हमला। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़कर अपनी नई पार्टी लोक जनता दल का गठन कर लिया। वहीं उनके जेडीयू से अलग होने के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार किया गया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा को ठग राज्यसभा भेजा, उपेंद्र जी ने इस्तीफा देकर रालोसपा का गठन किया, नीतीश जी ने उपेंद्र जी को फिर ठगा तो विधान परिषद भेजा, उपेंद्र जी ने फिर इस्तीफा देकर रालोजत बनाया। उपेंद्र जी स्पष्टतः नीतीश ललन से ज्यादा बड़े वैचारिक नैतिक मूल्य वाले समाजवादी हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रालोसपा को सीएम नीतीश ने खत्म करा, जेडीयू में मिला लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल घोषित किया है। जनता दल के घटक दलों को एक कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नीतीश जी का सपना धरा रहेगा, पर जदयू कहीं रालोजत में बलि न हो जाए। ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कही बड़ी बात। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपनी नई पार्टी का गठन और जेडीयू को छोड़ने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हम पीछे 2 दिन से सुन रहे थे कि वो कार्यकर्ता के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन उनकी बैठक में कोई भी जेडीयू कार्यकर्ता शामिल नहीं हुआ। उनकी बैठक में वही शामिल हुए हैं जो पहले भी उनके साथ थे और आज भी हैं। उनके बैठक में केवल वही शामिल हुए हैं जो उनके साथ एक कुनवा चलता था, लेकिन अब कुनवे भी कुशवाहा के महत्वाकांक्षा से परिचित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज उपेंद्र कुशवाहा के उसी कुनवे का एक सदस्य नीरज कुशवाहा हमारे साथ आ गए हैं और आगे कई और आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा वही गए हैं जहां उन्हें जाना चाहिए था, वह कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना लगा रहे थे। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू का किसी भी पार्टी में विलय नहीं होने वाला है। हम के गरीब संपर्क यात्रा के काफिले को लोगों ने रोका। इन दिनों बिहार में यात्रा का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा समाप्त हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतनराम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत हुई है। जहां बीते दिन उनके यात्रा को बिहार के गया जिले के बाराचट्टी में मोहनपुर बढ़ने के क्रम में सड़क की जर्जर स्थिति से आक्रोशित लोगों के द्वारा रोक दिया गया, जिसके बाद बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के द्वारा लोगों का काफी मान मनोबल किया गया और दिया गया। उसके बाद कहीं जाके लोगों का गुस्सा शांत हुआ और काफिले को आगे जाने दिया गया। बता दें कि इस दौरान संतोष सुमन के द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि वे सभी लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलकर बात करेंगे, उन्हें आप सभी की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा, क्योंकि हम लोग आपकी समस्या को देखने के लिए ही यहां आए हैं। तीसरे चौथे टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के बचे हुए 2 टेस्ट मैचों और उसके बाद होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट, जो रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए रिलीज किए गए थे, वापस आ गए हैं और वनडे स्क्वाड में भी उनको शामिल किया गया है। उपकप्तान केएल राहुल, जिनका प्रदर्शन दोनों टेस्ट मैचों में निराशाजनक रहा था, उसके बावजूद उन्हें रिटेन किया गया है। हालांकि
कि उनसे उपकप्तानी छीन ली गई है। स्क्वाड में कोई भी नामित उपकप्तान नहीं है। तीसरा टेस्ट इंदौर के होलकर स्टेडियम में 1 से 5 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि चौथा और अंतिम टेस्ट अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 9 से 13 मार्च तक खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा पहला वनडे नहीं खेलेंगे, उनकी जगह हार्दिक पांड्या टीम का नेतृत्व करेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महान कवि एवं लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1896 में जन्म हुआ। नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की 1959 में स्थापना हुई। 1998 में भारतीय चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन ने 21 फरवरी साल 2008 में ही युगांडा की कंपनी अनुपम ग्लोबल सॉफ्ट का अधिग्रहण किया था। बैडमिंटन की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल ने 21 फरवरी साल 2010 में जानी मानी खिलाड़ी जो मीको को 14-21, 21-10, 23-21 से महज 50 मिनट में ही हरा दिया था। 1829 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी रानी चेन्नम्मा का निधन हुआ। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालखर में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से एक नकली लकी ड्रॉ सोशल मीडिया पर वायरल है और 25 लाख जीतने का मौका दे रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह एक घोटाला है और आरबीआई से संबंधित नहीं है। आरबीआई लॉटरी फंड आदि के पुरस्कार की सूचना देने वाला कोई ईमेल नहीं भेजता है। इंस्टाग्राम में अब किसी की पोस्ट या स्टोरी पर इस तरह दे पाएंगे रिएक्शन। हाल ही में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए चैनल फीचर की शुरुआत की है। इस बीच जल्द इंस्टाग्राम में लोगों को एक और फीचर मिलने वाला है जिसके तहत वे किसी की पोस्ट या स्टोरी पर GIF से रिएक्ट कर सकेंगे। अभी तक इंस्टाग्राम पर यूजर्स केवल GIF से रिएक्शन या तो DM में दे पाते थे या फिर अपनी स्टोरी पर GIF पोस्ट कर पाते थे, लेकिन नए अपडेट के बाद अब लोग GIF के जरिए पोस्ट और स्टोरी पर अपनी रिएक्शन दे पाएंगे। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको बॉक्स या सेंड मैसेज बॉक्स में जो भी GIF भेजना है उसका कीवर्ड टाइप करना है और GIF आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको GIF लाइब्रेरी दिखेगी जिसमें से आप एक GIF चुनकर सामने वाले व्यक्ति को भेज सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, मंटू कुमारी सैनी, राजकुमार ठाकुर, योगेंद्र रजक, कमित यादव, मृत्युंजय कुमार, अनिल कुमार यादव, शंकर मुखिया, राजकुमार, वेद प्रकाश सिंह, बाबूलाल मरांडी, राम नरेश यादव, प्रमोद यादव, राजीव कुमार, रविवीर, नरेश राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के JDU छोड़ने से आगामी चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।